देखते रहिए यूबीएन जीरो एट भोपाल से आरिफ खान की बड़ी खबर आ रही है। मासूम के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या का मामला, मामले में लापरवाही बरतने वाले पुलिस कर्मियों पर गिरी गाज। 6 पुलिस कर्मी सस्पेंड, 1 एएसआई, 1 कांस्टेबल, 4 सिपाही हुए सस्पेंड। गृह मंत्री बाला बच्चन का बयान, संदिग्ध की कर ली गई पहचान, जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी। पूरे मामले में जल्द पुलिस करेगी खुलासा। सूचना मिलते ही 20 थानों की पुलिस सर्चिंग में लगाई गई। देखते रहिए यूबीएन जीरो एट, ताजा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। बस उसका हाथ सीधा करो, वो करो, फिर सीधे करो, ले के आऊंगा। चलो ले के पीछे से पकड़ो उसको, पीछे से पकड़ो, थोड़ा सा पीछे से पकड़ना है। वहीं के मोहल्ले के पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और ना ही हमारे साथ नहीं। कौन कौन थे वो तो अभी वो बताइए। वो लड़की, जिस लड़की थी ना जिसके चक्कर में आते थे, उस लड़की ने फंसवाया, उसकी माँ ने, लड़की ने उनको पकड़ा है बस खाली। अभी तो लड़कों को नहीं पकड़ा है, अभी उसे ही पकड़ा है। एक मिनट, सिंगल सिंगल आप बोलने देना। आपका नाम बता दीजिए। मोहम्मद इस्लाम सर। पुलिस, 3 जवान पुलिस वाले आए थे मेले में और हमसे बोल रहे तुम माहौल खराब कर रहे हो यहाँ पे, गुंडागर्दी मत करो, कल हम तुम्हारी लड़की को ढूंढेंगे और ढूंढ के तुम्हें लेंगे। सब हमको समझा दिया उनने और हम ढूंढ रहे थे, हमें और उल्टा गाली उत्तर भग रहा है और वो बोल रहे हैं कि तुम्हारी लड़की हो सकता है किसी के साथ भाग गई होगी, पुलिस वाले खुद बोल रहे हैं। और गिल्ला गया या तो पुलिस वाले पूरे दारू पी गए थे और हम ढूंढे थे, हमारे लाठीचार्ज करने लगे, भगने लगे हमारे। हमने हमने बोला सर मैं इनकी झुग्गियों में देखते अंदर जा जाके, तो कहला नहीं दूसरों को परेशान क्यों कर रहे हो। वो लड़की झुग्गियों में से मिली, हमसे बोल दिया कि तुम जाके सो जाओ, हम ढूंढेंगे, हमारा काम है ढूंढना। और घर पे आके बैठ गए हमारे घर के सामने और हमसे बोल रहे लाओ हमें पानी, ला दो हमें, गुटखा ला दो हमें, सिगरेट ला दो। हम 2 घंटे से यहाँ पे बैठे हुए, 8:30 बजे करीब हमने कंप्लेंट कर दी। रात के 12:30 बजे पुलिस वाला आया। हमारे साथ पहली बार नहीं हुआ, कमला नगर से हर वक्त ही हमें यही उम्मीद थी, सुनाई नहीं होती, कोई सुनवाई नहीं होती। हमारे जो पार्षद है साहब उनके वजह से, हमारे मनु भैया है ना पार्षद, 12:30 बजे रात को आए।